नमस्कार। आज हम गुण के सामान्य परिचय, गुण विज्ञान के सामान्य परिचय में गुणी विकास की प्रावस्थाएं या फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। बहुकोशिकीय जीवों के गुणीय विकास के दौरान मुख्य रूप से जो प्रावस्थाएं किसी न किसी रूप में पाई जाती है वो है युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस, निषेचन और फर्टिलाइजेशन, विदलन या क्लीवेज, पूरक बवन या ब्लास्टुलेशन, गेस्टुला बवन या गेस्टुलेशन, अंग निर्माण या ऑर्गेनोजेनेसिस, विभेदन या डिफ्रेंशिएशन और वृद्धि या ग्रोथ। पहले हम बात करेंगे गेमेटोजेनेसिस की या युग्मक जनन। युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस है लैंगिक जनन का मूल आवश्यकता होती है। युग्मकों का निर्माण होता है जिसमें दो युग्मक नर और मादा जिन्हें क्रमशः शुक्राणु और अंडाणु कहा जाता है का निर्माण किया जाता है। नर में शुक्राणु के निर्माण के को शुक्राणु जनन तथा मादा में अंडाणु का निर्माण की प्रक्रिया को ऊजेनेसिस या अंड जनन की प्रक्रिया कहते हैं। शुक्राणु जनन वृषण में या टेस्टिस में तथा अंडाणु जनन अंडाशय ओवरी में होता है। ये एगुणित होते हैं यानी कि जो युग्मक होते हैं वो एगुणित होते हैं। निषेचन इसकी सेकेंड भाग है जिसमें अगुणित युग्मक से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और द्विगुणित युग्मनज के बनने की प्रक्रिया अगुणित युग्मकों से निषेचन कहलाती है। इसमें शुक्राणु का अंडाणु से युग्मन होता है एवं उस संयुक्त कोशिका को युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज से ही संपूर्ण गुण का निर्माण होता है। निषेचन की प्रक्रिया जाति विशिष्ट होती है अर्थात एक विशिष्ट जाति का शुक्राणु ही उस विशिष्ट जाति के अंडाणु को निषेचित कर सकता है। इसमें दोनों युग्मकों के केंद्रकों का सम्मिश्रण होता है जिसे केंद्रक संलयन या कैरियोगेमी या एम्फीमिक्सिस कहा जाता है तथा दोनों युग्मकों के कोशिका द्रव्य के सम्मिश्रण को प्लाज्मोगेमी या साइटोगेमी कहा जाता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में अगुणित से द्विगुणित अवस्था का निर्माण होता है अतः इस प्रक्रिया को डिप्लोसिस भी कहा जा सकता है। इसके बाद विदलन की प्रक्रिया होती है। विदलन निषेचन के तुरंत पश्चात युग्मनज का निर्माण के पश्चात की प्रक्रिया है। इसके द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय संरचना पूरक में परिवर्तित होता है। ये विभाजन की प्रक्रिया स्वभाव से समसूत्री विभाजन माइटोसिस की प्रक्रिया होती है लेकिन विदलन में कोशिका द्रव्य का अनुपात उत्तरोत्तर कम होता जाता है। इस प्रकार विदलन की प्रक्रिया द्वारा बनी कोशिकाओं को पूरक खंड या ब्लास्टोमेर कहा जाता है। पूरक खंडों के इस समूह को मोरूला कहा जाता है। तीसरी जो अवस्था है पूरक भवन है जिसे ब्लास्टुलेशन भी कह सकते हैं। पूरक खंड या जो ब्लास्टोमेर है भविष्य में बनने वाले जीव के लिए निर्माण इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्य करते हैं। ये जंतु के शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पूरक भवन की अवस्था में ठोस गेंदनुमा मोरूला खोखला ब्लास्टुला में परिवर्तित हो जाता है जिसमें बाहर की ओर ब्लास्टोमियर जिन्हें ब्लास्टोडर्म कहते हैं तथा अंदर की ओर के भाग ये गुहा जिसे पूरक गुहा या ब्लास्टोसील कहा जाता है। ब्लास्टोडर्म में जीव के विभिन्न अंगों के प्रारंभिक अवशेषों प्राइमोर्डिया का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज गेस्टुला भवन होती है या गेस्टुलेशन जिसे कहते हैं। गुणीय परिवर्तन के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अवस्था गेस्टुला भवन की अवस्था होती है। इस अवस्था में के दौरान पूरक कोशिकाएं अपने भविष्य के निर्माण के लिए अपने विशिष्ट स्थानों की ओर गमन करती है। इन अभिगमनों या गमनों माइग्रेशन या मूवमेंट को निर्माणी गति या फॉर्मेटिव मूवमेंट्स या संरचना विकास गतियां या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहा जाता है। इन संरचना विकास गतियों के फलस्वरूप पूरक कोशिकाओं का पुनः व्यवस्था या रीअरेंजमेंट होता है जिससे तीन प्राथमिक जनन स्तर
प्राइमरी सेवन लेयर्स का निर्माण होता है। इस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया को गैस्ट्रुला बोन तथा आगे बनने वाली कोणीय अवस्था को गैस्ट्रुला कहा जाता है। इसके केंद्रीय भाग में एक आद्यांत्र या आर्केंट्रोन नामक कुआं पाई जाती है जो बाहर की ओर कोरक रंध्र या प्लास्टोफोर द्वारा खुलती है और आद्यांत्र भविष्य में आर नाल या एलिमेंट्री कैनाल तथा कोरक रंध्र गुदा या मुख का निर्माण करता है। यदि कोरक रंध्र में मुख का निर्माण होता है तो उन जीवों को प्रोटोस्टोम और यदि गुदा का निर्माण होता तो उन जीवों को ड्यूटोस्टोम जीव कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग निर्माण। जीव के भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान अंगों तथा अंग तत्वों के निर्माण की प्रक्रिया को अंग निर्माण या ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। इसके लिए पूर्व निर्मित प्राथमिक जनन स्तरों से कोशिकाओं का समूह एकत्रित होना प्रारंभ हो जाता है। इससे प्राथमिक अंग मूल तत्व या प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स कहते हैं। प्रत्येक रूडिमेंट्स विकसित होकर एक अंग का निर्माण करता है तथा जीव के अंग तंत्रों का निर्माण करता है। इसके पश्चात डिफ्रेंसिएशन या विभेदन की प्रक्रिया होती है। विभिन्न ऊतकों तथा अंगों के निर्माण के साथ साथ कोशिकाओं में लगातार विभेदन की प्रक्रिया चलती रहती है जिससे वे कोशिकाएं उस अंग या तंत्र विशेष के लिए कार्य कर सके, अर्थात कोशिकाएं अंत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए विशिष्ट कोशिकाओं यथा तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका इत्यादि में बदल जाती है। इस प्रकार एक समान कोशिकाओं का संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से रूपांतरण की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है जिससे विभेदन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, संरचनात्मक विभेदन, कार्यात्मक विभेदन और रसायनात्मक विभेदन। विभेदन के पश्चात शरीर में वृद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। भ्रूण लगातार कोशिका विभाजन चलता रहता है। भ्रूण में इस प्रकार परिवर्तन करता जीव लगातार बढ़ता जाता है। इस प्रकार जीव का आयतन वॉल्यूम ऑफ एम्ब्रियो ग्रोथ बढ़ता जाता है, इसे वृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है। वृद्धि आकार में बढ़ने के साथ साथ भ्रूण माता पिता के समान आकार का प्रेरण कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भ्रूणीय विकास की प्रावस्थाएं हैं वो विभिन्न चरणों से होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते माता पिता के समान जीव का निर्माण कर देती है।